अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स अगेन, क्योंकि रात के बज रहे हैं 12:15 और तो हमारे लिए मिडनाइट हो चुकी है और मॉर्निंग भी हो चुकी है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. टू चार्जेस प्लस क्यू ईच आर केप्ट टू ए डिस्टेंस अपार्ट. तो देखिए, हमारे पास दो चार्जेस हैं, प्लस क्यू और यहां पे भी हमारे पास कितना है, प्लस क्यू. ठीक है, टू चार्जेस प्लस क्यू ईच आर केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ टू ए अपार्ट, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, टू ए. ठीक है, अब वो बोल रहे हैं अ थर्ड चार्ज विच इज माइनस टू क्यू इज प्लेस्ड मिडवे बिटवीन देम. अब इसका मिडवे लगभग कुछ यहां पे होगा, है ना, मिडवे. तो मिडवे में कौन सा चार्ज रखा उन्होंने, माइनस टू क्यू रख दिया है. तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई, ए हो गई, और यहां से यहां तक की भी दूरी ए हो गई. तो अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो बताइए कितनी पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम की होगी. मतलब इक्विलिब्रियम वर्ड यूज नहीं किया, मतलब उन्होंने बोला है कि सिस्टम अगर ऐसा है तो बताइए उसकी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैस कितनी होगी. अब सिस्टम अगर इसमें स्टे कर रहा है तो ऑफकोर्स वो एनर्जी, हमें वो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होगी ताकि सिस्टम इस जो अभी है उसको मेंटेन रख सके और वो ऐसा के ऐसा ही रहे. तो कितनी एनर्जी लगेगी, तो हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो के क्यू वन क्यू टू बाय आर होता है, करेक्ट. तो पहले हम इन दोनों चार्जेस की बात कर लेते हैं. तो पोटेंशियल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी, यू वन टू प्लस यू टू थ्री, ये वन, ये टू और ये थ्री. ठीक है, तो यू वन टू यू टू थ्री प्लस यू वन एंड थ्री, यानी इन दोनों के बीच की भी होगी. तो चलिए रखते हैं, तो ये क्या होगी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी. तो यू वन का मतलब क्या है, के वन, के वन पे क्या चार्ज है, प्लस क्यू, टू पे क्या चार्ज है, माइनस टू क्यू, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, इस ए, ये देखिए इनके बीच में ए है. टू थ्री का मतलब इन दोनों के बीच में, तो के माइनस टू क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच में कितना आ जाएगा, ए, प्लस वन थ्री, वन और थ्री के बीच में भी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी. तो वो कितनी है हमारे पास, दैट इज के प्लस क्यू इंटू प्लस क्यू डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच की दूरी, वो कितनी है, टू ए. ठीक है, तो थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस टू क्यू स्क्वायर के अपॉन ए, ये कितना हो जाएगा, ये भी उतना हो जाएगा, माइनस टू क्यू स्क्वायर के बाई ए, ये थोड़ा सा लग जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन टू ए. ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, माइनस फोर क्यू स्क्वायर के बाई ए प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन टू ए. अच्छा, अगर मुझे एलसीएम सेम करना है तो ऊपर नीचे मैं टू टू से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, है ना, तो मेरा काम इजी हो जाएगा. तो दैट इज टू ए. अब ये टू इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस टू वन जा टू, टू फोर जेड क्यू स्क्वायर के प्लस के क्यू स्क्वायर. अब आठ में से के कितने बचे, सात, तो माइनस सेवन के क्यू स्क्वायर अपॉन टू ए, वेयर के की वैल्यू अगर यहाँ पे रख दे जो कि कितनी होती है, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो. तो यू टोटल पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी, माइनस सेवन इंटू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो के की जगह इंटू क्यू स्क्वायर, तो ये क्यू स्क्वायर यहाँ रख देती हूँ, इंटू टू ए विच इज इक्वल टू माइनस सेवन क्यू स्क्वायर अपॉन, ये टू फोर जा एट हो जाएगा, एट पाई एप्सिलॉन जीरो ए. सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, सी वाला. सो सी ऑप्शन इज करेक्ट. ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर.